किसान भाइयों नमस्कार। बीटी गोरे ये यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अभी अंबे बहार चल रहा है, अभी फरवरी 2020 चल रहा है और इसमें डिफोलिएशन करना, प्रूनिंग करना, ये सब काम अभी अंबे बहार 2020 के चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था कि जो काड़ी होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैसे हो जाए, उसके लिए कौन से स्प्रे करना है और डिफोलिएशन नेचुरल कितना हुआ है। उसके बाद इथरेल जो अपन डिफोलिएशन के लिए, पत्ते झाड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसका डोज कितना लेना चाहिए ये बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रूनिंग क्या होती है, क्यों करनी है और प्रूनिंग करने के लिए कौन से स्टेप्स है, उसको कैसे फॉलो करना है, जो प्रूनिंग का लेबर अपना आता है उनको कैसे बताना है कि प्रूनिंग कैसे करें, इसके लिए सिर्फ ये वीडियो लाया है। जब भी एडवांस ट्रेनिंग होता है 3 दिन का हमारे खेत पे, तब हर एक पौधे के पास जाके पंकज सर उनको पूरा का पूरा प्रूनिंग करके दिखाते हैं कि हस्त बहार में ये काड़ी निकलना है, मृग बहार में ऐसी प्रूनिंग होना है और अंबिया बहार जो होता है उसमें इस टाइप से प्रूनिंग होनी चाहिए। कौन सी प्रूनिंग करना है ये डिपेंड करता है आपकी मिट्टी किस टाइप की है, आपके यहाँ पे नेचुरल स्ट्रेस प्लांट के अंदर कितना आया हुआ है और आपका हार्वेस्टिंग रेनी सीजन में आने वाला है या ठंड में आने वाला है। क्योंकि अगर रेनी सीजन में आपका हार्वेस्टिंग आएगा तो आपका पौधा खुला चाहिए, नहीं तो फिर हार्वेस्टिंग की स्टेज है और अगर आपका फंजीसाइड का कवरेज अगर अच्छा नहीं होगा तो इतना बढ़िया जो भी आपके फ्रूट्स होंगे वो फ्रूट्स आपके फंगल इन्फेक्शन से खराब हो जाएंगे। इसीलिए अभी अंबे बहार है और इसका हार्वेस्टिंग आने वाला है बारिश के सीजन में, जुलाई अगस्त सितंबर महीने में। जब जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश आएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंजीसाइड स्प्रे करना है और फंजीसाइड का स्प्रे जो है वो हर एक फ्रूट तक पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंचेगा तो आपको फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेरे जो सहयोगी है मिस्टर पंकज मोटे सर, पंकज मोटे सर ने एमएससी हॉर्टिकल्चर किया हुआ है। हॉर्टिकल्चर में होता है कि प्रूनिंग कैसे करें, क्या साइंटिफिक रीजन होता है प्रूनिंग करने का, पोमोग्रेनेट में कौन सी प्रूनिंग होनी चाहिए अंबे बहार के लिए और उसकी स्टेप्स क्या है, ये डिटेल में अभी आपको पंकज सर बताएंगे। उसके बाद कितना डिफोलिएशन होने के बाद प्रूनिंग पहले करनी है या इथरेल का स्प्रे पहले करना है पत्ते झाड़ने के लिए, उसके बारे में वापस मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन अभी आप पंकज सर से प्रूनिंग क्यों करनी है, क्या साइंटिफिक रीजन है प्रूनिंग करने के लिए और कैसे करनी है, कौन सी स्टेप से इजीली आप आपके लेबर को उसको समझा सकते हो कि इस टाइप से प्रूनिंग करनी है, तो मैं पंकज सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हमारे जो किसान भाइयों हैं इनको आप प्रूनिंग के बारे में बताइए। नमस्ते किसान भाइयों, ये जो प्रूनिंग जो रहता है इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे भी गोरे सर ने बताया कि प्रूनिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रूनिंग क्यों करना है, उसके फायदे क्या है, किस लिए करना है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो मैं जो आगे आपको स्टेप बताऊंगा प्रूनिंग की वो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप उन मुद्दों पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि ये करना ही है तभी ये फ़ायदा मुझे होने वाला है। तो प्रूनिंग के फायदे में सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जब आप अनवांटेड मतलब जो ज़रूरत की नहीं है वो अगर ब्रांचेस अंदर से निकाल देंगे जो सेंटर की जो रहती है वो, तो उससे दो फायदे रहते हैं। पहला फायदा ये रहता है कि हवा जो है वो बहुत सारी खेलती रहती है गार्डन में और आसानी से निकल जाती है। दूसरी, सूरज की जो रोशनी है वो हर एक टहनियों के ऊपर पहुंचती है। किसान भाइयों एक ध्यान में रखिए, जो हवा अच्छी तरह से बाग में अगर निकल जाती है
और सूरज की रोशनी अच्छी आती है तो आपको मिनिमम मतलब कम से कम कीटक या फंगल का इन्फेक्शन वहाँ पे आपको मिलेगा और आपको कंट्रोल मेजर करने के लिए भी आसानी से मिलती है, क्योंकि जैसे ही वो खुला बगीचा रहेगा तो जब आप स्प्रे लेते हो तो स्प्रे अंदर तक जाएगा, उसके लिए ये प्रूनिंग जरूरी है। दूसरा फायदा ये रहता है प्रूनिंग का कि जब आप अनवांटेड या छोटी छोटी पतली पतली वाली जो ब्रोकन या रिफिल साइज की जो स्टिक्स रहती है उसको आप निकाल देते हैं तो आपके जो फूल निकलते हैं वो जाड़ काड़ी को निकलते हैं, जैसे सस्पेंसिल साइज है या उससे बड़ी साइज है उसको ये फूल निकलते हैं, और जैसे ही इसको ये फूल निकलेंगे वो उसको उस फूल के जो फल बनेंगे उसकी साइज आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई जो रहता है वो अच्छी तरह से मिल, ये रीज़न है आपको प्रूनिंग करने के लिए। तो किसान भाई, मैं अभी शुरुआत करता हूँ कि प्रूनिंग कैसे करना है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रूनिंग करने के लिए हमारे पास एक तो घर के आदमी लोग रहते हैं या हम बाहर से लोग बुलवाते हैं, तो वो प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं उनके कैंचियों से, तो उन कैंचियों को आपको निर्जंतुकीकरण करना जरूरी होता है, मतलब उसको स्टरलाइज करना जरूरी है, क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट या तेलकट दाग जो बोलते हैं हाँ, उसका एंट्री इनका सोर्स से होता है, कैंचियों से, तो उसको पहले उनको स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। तो स्टरलाइज करने के लिए बिल्कुल आसान है, जैसे ही वो लोग आपके खेत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले 1 लीटर पानी के लिए 20 ml डेटॉल ले लीजिए और उसके अंदर इनकी कैंचियाँ कम से कम आधे घंटे तक डुबो के रखिए। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये रहता है, आपके आदमी उनके पीछे रखिए या आप खुद वो डेटॉल का सॉल्यूशन लेके रखिए। जैसा ही उनका एक पौधे का कटिंग होने के बाद वो दूसरे पौधे की तरफ जाते हैं, उनकी कैंची से डुबा के ले लीजिए उसके अंदर, तो उस वहाँ पे वो स्टरलाइज होगा, एक प्लांट का इन्फेक्शन दूसरे प्लांट की तरफ नहीं जाएगा, उस दूसरे पौधे की तरफ नहीं जाएगा। तीसरी बात है कि जब वो दोपहर को खाना खाने बैठते हैं तब वो उनकी कैंचियाँ तो खाली रहती है, उसको इधर उधर रखने की बजाय उसको डेटॉल के सॉल्यूशन में डाल के रखिए, तो फिर से स्टरलाइजेशन होगा। शाम को कटिंग खत्म हो गई, कटिंग खत्म हो गया तो वैसे ही वो कैंचियाँ निकालो, एक आधा घंटा उसमें डुबो के रखो, उसके बाद बाहर निकाल के उसको ऑयलिंग करके रख दो ताकि दूसरे दिन वो अच्छी सी काम करना चालू हो जाए। ये प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग से पहले। अभी हम स्टेप की तरफ जाते हैं कि कटिंग कैसे करना है। जो पहली स्टेप मैं बताता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये स्टेप जो है आप आपके घर के आदमियों से बनाएं, क्योंकि बाहर के लोग उतना ध्यान से उतनी गौर से वो स्टेप कंप्लीट नहीं करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़मीन के नीचे से कुछ वाटर शूट निकलते हैं, यहाँ पे जो नीचे से जो वाटर शूट जो निकलते हैं तो वो कटिंग करने वालों ने पिछली बार ज़मीन के ऊपर कट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि फिर से पानी देने के बाद दूसरे वाटर शूट चालू हो जाते हैं उसके बाजू में, एक दो तीन चार चालू हो जाते हैं, वापस उसको कट कर देते तो अच्छी तरह से वहाँ पे गुच्छा बन जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो वाटर शूट ज़मीन के नीचे से निकला है उसको आपको एक छोटी सी कुदली रहती है जो आपको अभी फोटोग्राफ में दिख रही है वैसे ही, उस कुदली से आप नीचे तक जाइए जहाँ से मेन स्टेम को वो वहाँ से निकली है वहाँ तक जाइए और कैंची से उसको वर्टिकली कट करना है। ऐसी कैंची से यहाँ पे कट नहीं करना है, वो मेन स्टेम को ऐसा कट करना है ताकि बाद में जो निकलना है तो वो दूसरा वाटर शूट वहाँ से चालू ना हो। ये काम आपको आपके लोगों से करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर एक बार किया तो वापस नहीं आएगा क्या? आ सकता है, क्योंकि डाड़म का पौधे का वो गुणधर्म है कि वो शूट तो जहाँ पे वो वहाँ तो निकलेगा लेकिन ज़मीन के नीचे से कम निकलेगा, बहुत कम निकलेगा, हमारा जो एक्सपीरियंस है वहाँ से बहुत कम निकलता है। वैसा ही वाटर शूट है, अभी आपका पौधे की एज के अनुसार जमीन के ऊपर आपने 1 से 1.5 फुट या 1.25 फुट तक आपने मेन स्टेम या उसकी ब्रांचेस खाली रखी है, वहाँ पे आपको वाटर शूट निकलते हैं छोटे छोटे या कुछ स्टोरेज स्टेज की वजह से कुछ बड़े भी हो गए होते हैं, तो उसको आपको निकालना है पूरी तरह से, तो वो निकालना है आपको वर्टिकल कैंची लगा के। ऐसी कैंची कभी इस्तेमाल नहीं करना ये जगह पे, तो ऐसी कैंची इस्तेमाल करके उसको निकालना है पूरी तरफ से। वो हो गया आपका, ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा कि पौधा जो अपने 1.5 फुट 1.25 फुट जो खुला रखा है मेन मुख्य तना, उसको आप जब बाजू में देखेंगे
तो कुछ रिफिल साइज की जो कांडियां रहती है वो उल्टी नीचे आई हुई है। इसको फूल लगते हैं लेकिन ये फूल की साइज नहीं होती, अच्छी तरह से नहीं आते, इसलिए उसको हटाना ही जरूरी होता है। तो उसको निकालने के लिए वो जो रिफिल साइज की जो कड़ी ब्रांच नीचे आती है वो जहां से शुरू हुई है ना वहां से कट करना है, ना कि डेढ़ फुट बोला है तो डेढ़ फुट को आधा ही काट दिया, उसको आधा काटेंगे तो और मुसीबत में आ जाएंगे, उसको और बाजू में ब्रांचेस निकलना चालू हो जाएगा और आपको अपना नुकसान हो जाएगा इस जगह पे। तो दूसरी स्टेप ने आपने ये सब ब्रांचेस निकाल दी। अभी ये इस जगह पे अगर सस्पेंसिल से भी बड़ी या सस्पेंसिल साइज की लकड़ी होगी, मतलब ब्रांचेस होगी, तो उसको आपको रखना है, वो हमारे लिए अच्छी है। मैंने सिर्फ रिफिल साइज की जो रहती है उसको निकालने के लिए बोल दिया है। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, मुख्य तना जो रहता है उसको दोपहर के टाइम पे सूरज गिरना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि स्टोरेज स्टेज में बहुत सारे वाटर शूट वहाँ पे निकले हुए हैं। मैं साइड के वाटर शूट निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुख्य तना जो रहता है या मुख्य ब्रांचेस जो ऐसी निकलती है वहाँ पे जो वर्टिकल वाटर शूट निकले हैं ना वो बिल्कुल सीधे ऊपर चले जाते हैं, उसको निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। उसको आपको पूरा का पूरा निकालना है, बिल्कुल ही नहीं रखना है। बहुत सारे फार्मर सोचते हैं कि नहीं मैं उसको बीच में कट करूंगा फिर ब्रांचेस निकलेंगे उसको फैलाएंगे आते हैं, लेकिन नेक्स्ट साल आपको बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है, आपका पौधा ऊपर ऊपर ही चला जाएगा ये इस तरफ से। तो इसको आपको नीचे से जो निकलते हैं उसको जहाँ भी है उसको हटाना है। तो आपको देख सकते हैं कि जब कटिंग चालू है तभी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको सूरज की रोशनी बिल्कुल नीचे तक आई है, नीचे के स्टेम पे गिरी है, तो उसका फायदा आपको वहाँ पे हो जाता है। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी पिछले साल फ्रूट लगे होते हैं तो उसकी वजह से कुछ ब्रांचेस जो रहती है, टेनिया जो रहती है, वो टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है ऊपर की तरफ से, उसको आपको पूरी तरह से हटाना है। अभी ये चार स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत सारा पता चल जाता है कि हमारा पौधा अच्छी तरह से खुल गया है, बहुत सारा अच्छी तरह से खुल गया है। तो अभी पांचवें स्टेप में हम जाते हैं। तो पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की ब्रांचेस जो रहती है ना उसमें जो रिफिल साइज की जो साइज रहती है ना उसको हम पूरा हटा देते हैं, जहाँ पे भी है पूरा पूरा निकाल दो, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से उसको हटाना है। तो बाकी की जो ब्रांचेस रहेंगी वो सस्पेंसिल या उससे बड़ी रहेगी। अभी भी कुछ जगह पे क्या हो जाता है, एक ब्रांच ऐसी निकलती है यहाँ तक सस्पेंसिल साइज आता है और वहाँ पे वो छोटी छोटी हो जाती है। तो आपको ये जगह पे क्या करना है, जहाँ पे सस्पेंसिल साइज आती है वहाँ तक पे कट करना है, ताकि जो भी फ्लावर निकलेगा ये इसके पीछे बड़ी वाली साइज के ब्रांचेस पे निकलेगा, ये करना है। और ये करते वक्त ध्यान रखना है कि ये खत्म हो जाएगा आपका, तो आप देखेंगे कि पिछली कुछ गलतियों की वजह से जो कटिंग हुआ है आपका, तो कुछ कुछ जगह पे, मतलब पूरे प्लांट में नहीं रहता है ये, कुछ कुछ जगह पे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार रहता है, बिल्कुल क्लस्टर रहता है। तो इसको आपको थिनिंग करना है, ये जो अनवांटेड है थिनिंग करके उसको खुला करना है। अगर आप इसको वैसे ही रखेंगे तो वो पूरा पत्ते वहाँ पे निकलेंगे, बिल्कुल उसमें भीड़ जमा हो जाती है और वहाँ पे फ्लावर नहीं निकलते, शूट से निकल जाते हैं और आपको उसका फायदा नहीं होता है। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको वहाँ से जो भी फ्लावर निकले हैं वो बड़ी बड़ी जो ब्रांच रहती है वहाँ पे निकले हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छी तरह से होने से साइज अच्छा मिलेगा उस फल का। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि जब भी आप स्प्रे लेते हैं, ब्लोअर से लेते हैं, तो आपको कवरेज उसका अच्छा मिलेगा, अंदर तक उसके स्प्रे जो है वो अंदर तक जाएगा। इस तरीके से आप अगर प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे या छाटनी बोलते ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिल सकता है। धन्यवाद पंकज सर। पंकज सर ने आपको बहुत अच्छी तरह से जो पांच स्टेजेस होती है प्रूनिंग की वो बता दिया और साइंटिफिकली क्यों जरूरी है आपको प्रूनिंग करना ये भी बता दिया है, जो कि संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा कि जो पांच स्टेजेस है उसमें उन्होंने बताया कि जो जमीन से आने वाले जो वाटर शूट है उसको ऐसे निकालो कि उसकी कुछ भी वहां पे पोर्शन ना रहे, बिल्कुल जो तना है वो तने से बिल्कुल बाजू कर दीजिए उसे। उसको जहां तक आपका सिंगल स्टेम, दो स्टेम, तीन स्टेम, जितने भी स्टेम आपके आए हुए हैं, जहां तक उसको सब ब्रांचेस नहीं है वहां तक जो भी वाटर शूट आएंगे उसको निकाल दीजिए, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में उन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि जमीन की तरफ अगर आपको डेढ़ फीट तक अगर पौधे को कुछ नहीं रखना है तो जमीन की तरफ जाने वाली जो इमैच्योर ब्रांचेस है या जिसको फूल नहीं लगने वाले या लगने भी वाले हैं
तो उसका साइज में बनने वाला, या अभी फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी का हार्वेस्टिंग आएगा आपका अगस्त में सितंबर में, तो उस टाइम बारिश रहेगा, तो ये जो फल है वो बिल्कुल मिट्टी के बाजू में रहेंगे, और जो मिट्टी के बाजू में फल होते हैं या जो मिट्टी को लगे हुए रहते हैं उसमें रॉटनिंग के चांसेस, सड़न होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए वो अभी निकाल दीजिए ताकि हवा नीचे से चली जाए, ह्यूमिडिटी प्लॉट के अंदर कम हो जाए और अच्छी तरह से वापस आपके बेड में रहे, इसके लिए सनलाइट भी अंदर चले आए। तो वो एक उन्होंने बहुत बढ़िया बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अंदर जो भी वाटर शूट आते हैं वो वाटर शूट को निकालना है। अभी आपका बगीचे में आप सिर्फ फर्टिलाइजर दे के पानी दे रहे थे, बहुत सारे वाटर शूट अंदर आए हुए हैं और वो अंदर बहुत क्राउडी एरिया उन्होंने तैयार किया हुआ है जो कि सनलाइट अंदर नहीं आ रहा है, वो उनको निकालने को बोल दिया है उन्होंने, ताकि सनलाइट अंदर आ जाए और जो नए पत्ते अभी डिफोलेशन के बाद आपके गार्डन में आएंगे उसके ऊपर अगर सनलाइट गिरेगा तो ही आपको वहां से फीमेल फ्लावर आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल खुला करने को बोल दिया। और आपको ये भी पता है कि सनलाइट ये अच्छी दवा है, ये फंजीसाइड भी है, ये इंसेक्टिसाइड भी है, अगर वहीं पे सनलाइट जाता है तो बीमारी बहुत कम होती है, तो प्लांट के अंदर सनलाइट अंदर तक जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक फोर्थ स्टेप जो अच्छी तरह से बोला वो था कि जो ब्रोकन ब्रांचेस है या जो डेड ब्रांचेस है, कुछ कारण टूटी हुई है या कोई इंसेक्ट का डैमेज है, कोई फंगल का डैमेज है या कोई बैक्टीरियल ब्लाइट का डैमेज है, वो ब्रांचेस जो है वो आपको पूरा का पूरा निकालना है। उन्होंने पांचवी स्टेप सबसे बढ़िया बोली है कि आप ऊपर टॉपिंग करना है। टॉपिंग क्यों करते हैं? अगर टॉपिंग नहीं करेंगे तो आपके शूट ऊपर निकल जाएंगे और आपको पीछे जो भी बर्ड्स है वो स्प्राउट नहीं होंगे। जो अपाइकल है वो अपाइकल को आपको टॉप करना है। तो जो आपकी पेंसिल जैसे काड़ी होती है वो जो काड़ी है वो रखना है, और छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती है रिफिल शेप की, रिफिल की जितनी मोटाई होती है वो शेप की ब्रांचेस आपको कट करनी है, ताकि ये जो ब्रांच है ये ब्रांच के अंदर अच्छे तरह से आपको फीमेल फ्लावर लगे और वहां से नए स्प्राउटिंग आके आपकी कैनोपी डेवलप हो जाए। इससे क्या होगा कि समर में जो भी सनलाइट है उससे आपका सनबर्न भी नहीं होगा और कैनोपी इतनी खुली हो जाएगी कि बारिश के सीजन में जो भी फंजीसाइड आप यूज करेंगे वो हर एक फंजीसाइड हर एक फ्रूट तक पहुंचेगा और जो भी सड़न होती है या दाग धब्बे फ्रूट्स के ऊपर आते हैं वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको ये पांच जो स्टेजेस अभी पंकज सर ने आपको बताया, ये पांचों की पांच स्टेज आपको आपके लेबर को बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। ये वीडियो आप उनको बताइए कि ऐसे टाइप से प्रूनिंग करना है, अगर गलत ब्रांचेस को रखा और अच्छे ब्रांचेस को अगर निकाल देंगे तो शूट ही शूट आते हैं, फीमेल फ्लावर ज्यादा आते नहीं है, आते भी है तो ज्यादा सनबर्न हो जाता है, क्योंकि ये बाहर समर का भी है बारिश का भी है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रख के प्रूनिंग करना है जो पंकज सर ने अभी आपको बताया। उसके बाद हमेशा एक फोन के ऊपर या अपने जो एग्री अकेडमिया के ग्रुप से वो ग्रुप्स के ऊपर या यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आप देख लीजिए, वहीं पे आता है एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि पहले डिफोलेशन के लिए इथ्रेल का स्प्रे करें या पहले प्रूनिंग करें। बहुत इजी आंसर है कि अगर आपके मिट्टी में पानी है, मॉइस्चर है और हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उस टाइम आपको पहले इथ्रेल का स्प्रे करना है पत्ते झाड़ने के लिए। और अगर जमीन में मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है और हवा में भी नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, उस टाइम आप पहले पूरा प्रूनिंग कर लीजिए और प्रूनिंग करके बाद में इथ्रेल स्प्रे करिए, ताकि हर एक पत्तों तक इथ्रेल जाएगा और अंदर के पत्ते आपके पीले होके ड्रॉप हो जाएंगे और वहां से आपको फीमेल फ्लावर आएगा, जो कि अंदर का फ्रूट आपको बड़े साइज का भी मिलेगा, बिना सनबर्न का भी मिलेगा। अगर आप अभी तक एग्री अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, एक नीचे लिंक दी हुई है वो व्हाट्सएप ग्रुप की, वो ग्रुप के ऊपर जाके आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि छोटी छोटी चीजें आपको मिलती रहेगी जिसका इंपैक्ट अच्छा आएगा और आप वहां पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जहां से हम आपको सलाह भी दे देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैं इथ्रेल का स्प्रे हाथ से करूं या ब्लोअर से करूं,
जो ट्रैक्टर माउंटेड अपने ब्लोअर होते हैं उसी से करो। मेरा पहले एक सवाल आपको है, ये क्वेश्चन आप इसलिए पूछते हो कि आपका जो ब्लोअर है वो कवरेज आपको अच्छा देता नहीं है, और इथरेल का स्प्रे आपको बताता है कि आपका स्प्रे कहां पे होता है और कहां पे नहीं होता, क्योंकि जिस पत्ते के ऊपर इथरेल गिरेगा वही पत्ता आपका गिरता है, पीला होता है और वहां से आपको नए फ्लावर आ जाते हैं। जिस पत्ते के ऊपर इथरेल नहीं गिरेगा वो पत्ता नीचे नहीं गिरेगा। और हमेशा आप जब ब्लोअर से स्प्रे करते हो तो अंदर के जो पत्ते होते हैं वहां तक इथरेल नहीं जाता, इसलिए उधर के जो पत्ते हैं वो पीले होके उनका डिफोलेशन पतझड़ नहीं होती है। लेकिन मैं अगर आपको ये पूछूं, इसी ब्लोअर से अगर आप रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में फंजीसाइड का एप्लीकेशन करोगे, आप अंबिया बाहर में हो और उस टाइम आप फंजीसाइड उसके ऊपर स्प्रे करोगे, आज तो आपका पौधा बहुत सारा खुला है, उस टाइम तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फुलेज होगा, फ्रूट्स होंगे, अंदर तक दवा जाने के लिए जो भी फंजीसाइड आप यूज कर रहे हो, जो भी इंसेक्टिसाइड आप यूज कर रहे हो, अंदर तक जाने के लिए वैसे भी तो वही बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो क्या आप हर एक फ्रूट तक इसी ब्लोअर से फंजीसाइड पहुंचा सकते हो? तो इसका आंसर आता है नहीं। इसीलिए हाथ से स्प्रे करना है या ब्लोअर से स्प्रे करना है ये कोई मायने नहीं रखता, हर एक पत्तों तक इथरेल जाना चाहिए। वैसे ही जब आपके बारिश के सीजन में फ्रूट रहेगा वो फ्रूट के ऊपर फंजीसाइड अगर नहीं जाएगा तो दाग धब्बे आएंगे, अगर ब्लैक मिट्टी है और ज्यादा बारिश होता है तो सड़न भी आएगी, पूरे फल आपके अंदर के जहां फंजीसाइड नहीं पहुंचेगा वो सड़ जाएंगे। इसलिए कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इथरेल का स्प्रे आपको कवरेज है या नहीं ये सिखाता है। तो जो आपका ट्रैक्टर माउंटेड ब्लोअर होगा उसके ऊपर फैन भी होगा या बिना फैन की लांस भी होंगी, तो वो चेक कर लीजिए आपका कवरेज अच्छा होता है या नहीं होता है। किसान भाइयों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, 3 दिन का कोर्स हम करते हैं, साल में 2 ही बार हिंदी में ये कोर्स होता है, महाराष्ट्र छोड़ के जहां पे भी, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्रा है, गुजरात है, राजस्थान है, अभी तक तो हिमाचल कुल्लू उधर भी अच्छी तरह से अनार हुआ है। 3 दिन के कोर्स में हम आपको पोमोग्रेनेट के बारे में सभी चीजें बताते हैं, और 3 दिन आप हमारे खेत में रहते हैं, जो भी चीजें पोमोग्रेनेट के अंदर करनी है वो सब आप आपके आंखों के सामने देख लेते हो, कोई कंफ्यूजन वहीं पे नहीं रहता है। अभी मार्च 2020 में 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन ये कोर्स मार्च में है, 3 दिन निकालिए। नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर फोन करके ट्रेनिंग के बारे में पूरी पूछताछ कर लीजिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से टॉपिक होंगे, आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल कोर्स कैसे होता है, ये सब आप वो नंबर के ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हो। तो आप फोन करिए, अगर आप अनार की खेती करना चाहते हो, अगर आप दाड़म की खेती कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार 3 दिन मेरे खेत में आइए, हमारे साथ रुकिए और आप समझ लीजिए कि कौन से स्टेज में पोमोग्रेनेट को क्या करना है। जो आज अपन पोमोग्रेनेट में जो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत हमें कम करना पड़ेगा, और वो क्या करना है वो कोर्स में आपको पता चलेगा। तो अभी मार्च महीने में ये कोर्स है, 6th, 7th and 8th of March, तो रजिस्ट्रेशन करिए और आइए। 50 लोगों का बैच होता है, हर एक स्टेट से अलग अलग लोग आपको वहीं पे मिलेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप पोमोग्रेनेट की अच्छी खेती कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये वीडियो से आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी प्रूनिंग के बारे में पंकज सर ने आपको दिया हुआ है। डेफिनेटली ये तो जानकारी आपको 100% फायदा देगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलना, और अपने जो भी पोमोग्रेनेट के जो फार्मर्स हैं, अनार के जो भी किसान भाइयों हैं, उन्हीं तक ये वीडियो आपको भेजना है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू,
आप उनको भेज दीजिए ताकि सबको इसका फायदा हो जाए और जो प्रूनिंग अपन गलत करते हैं वो गलत नहीं होगी। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको सब्सक्राइब करिए, जो भी नया वीडियो आएगा वो नया वीडियो आप तक सबसे पहले आएगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक ही बटन के ऊपर मेरे पूरे के पूरे वीडियो दिखने को मिलना चाहिए तो फार्म डीएसएस का मोबाइल एप्लीकेशन है, फार्म डीएसएस, ये प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, डाउनलोड करिए, वहीं पे बीटी गोरे यूट्यूब चैनल का बटन है उसको क्लिक करिए, जो भी पोमोग्रेनेट के पूरे वीडियोज है वो सब वीडियोज आपको एक ही बटन के अंदर मिलेंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो भी फ्री में है। तो आप फार्म डीएसएस डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा इसके लिए धन्यवाद।